तो आज मैं आपको बताऊंगा मुगलई चिकन कोरमा कैसे बनाया जाता है। ये जो मुगलई फूड होता है ना, बहुत ही रिच, हेल्दी और टेस्टी होता है खाने में। और आज मैं आपको एकदम परफेक्ट रेसिपी बताने वाला हूँ मुगलई चिकन कोरमा की। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से नमक और विनेगर वाले पानी से धो लिया है। नमक और विनेगर वाले पानी से धोएंगे आप चिकन को, अच्छी तरह से साफ हो जाता है। इसके बाद इसको मैरिनेट करेंगे। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है, थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर डालना है और थोड़ा सा आपने इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करना है। इसके साथ में आपने 1 छोटा चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मैरिनेट करके आपने चिकन को कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसी मैरिनेशन के अंदर रहने देना है। इससे ना कलर भी अच्छा आएगा चिकन के ऊपर और नमक मिर्ची का टेस्ट भी अंदर तक जाएगा। और यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें सबसे पहले आपने 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करना है। जैसे आपका ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर आपने इसमें प्याज को फ्राई करना है। ये जो मुगलई डिशेज होती हैं और कोरमा वगैरह होते हैं ना, इसमें ब्राउन प्याज का यूज़ किया जाता है। अब गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और कंटिन्यू आपने पलटा चलाते रहना है। देखिए प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है और फिर आपने इसमें पलटा चलाते रहना है। अगर आप यहाँ पे गैस की फ्लेम तेज रखेंगे आपका प्याज जल जाएगा, अच्छे से पक नहीं पाएगा। तो देखिए प्याज हमारा अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसको निकाल के पेपर के ऊपर रख दीजिए ताकि जो उसके अंदर ऑयल है वो पेपर सोक कर ले। तो इस तरह से आपने प्याज को फ्राई करना है। इसके बाद बचे हुए ऑयल के अंदर आपने थोड़े से काजू लेने हैं और काजू को भी आपने फ्राई कर लेने हैं। यहाँ पे ये जो मुगलई डिशेज होती है इसमें ड्राई नट्स का यूज़ भी किया जाता है। थोड़े से आपने बादाम भी लेने हैं और वो भी साथ में डाल देने हैं। आप काजू और बादाम को ना भिगो के भी डाल सकते हैं ग्रेवी के अंदर। ऐसा नहीं कि आपने इसको फ्राई करके ही डालना है, पर जल्दी अगर आपने कोरमा बनाना हो तो आप इनको फ्राई करके भी डाल सकते हैं। तो गैस की फ्लेम आपने वैसे एकदम लो रखनी है और एकदम लो फ्लेम में आपने इनको फ्राई करना है। ज़्यादा तेज गैस रखेंगे तो ये एकदम से जल जाते हैं। और के देखिए लाइट सा कलर इनके ऊपर आ चुका है। इसके बाद आपने काजू को और बादाम को भी निकाल लेना है यहाँ पे। और जैसे ये ठंडे हो जाएंगे इसके बाद हमने इनका पेस्ट बनाना है। तो देखिए काजू और बादाम को मैंने मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल दिया है और जो प्याज को हमने ब्राउन किया था वो सारे का सारा प्याज वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और इसके साथ में आपने इसमें थोड़ा सा दही ऐड करना है। दही से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है कोरमा में। तो यहाँ पे 150 ग्राम मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। साथ में हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें मैंने तो डाला है क्योंकि जब हम काजू और बादाम को पीसते हैं ना तो उनका एकदम थिक पेस्ट बनता है, वो अच्छे से पीस नहीं पाते हैं। तो ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट बना के तैयार करना है आपने। तो ये हमारी कोरमा की जो ग्रेवी है वो बनके तैयार हो चुकी है। इसके बाद देखिए बचे ऑयल में से थोड़ा सा ऑयल हम निकाल लेते हैं। वैसे तो ये जो मुगलई डिशेज होती है ना इनको प्योर घी में बनाया जाता है, बट यहाँ पे हम इसको ऑयल में बना के तैयार करेंगे। 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी, 4 से 5 आपने इसमें छोटी इलायची और इसके साथ में 2 बड़ी इलायची और 2 छोटे पीस आपने इसमें जावित्री ऐड करनी है। 4 से 5 आप इसमें लौंग ऐड कर दीजिए। तो खड़े मसालों का अच्छा फ्लेवर आना चाहिए मुगलई डिशेज में। साथ में आपने इसमें 4 से 5 हरी मिर्च लेनी है, उनको बीच से काट के डाल दीजिए। और इसके साथ में आपने मैरिनेट किया हुआ चिकन भी डाल देना है। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में चिकन को 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे शैलो फ्राई करना है। चिकन को आप पहले शैलो फ्राई कर लेंगे, उससे क्या होगा जब ग्रेवी बनती है ना उसमें जब हम चिकन को पकाते हैं हमारा चिकन जो टूटता नहीं है। तो ये देखिए बीच बीच में आपने पलटा चलाते रहना है और तब तक आपने चिकन को फ्राई करना है जब तक चिकन के बाहर से चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट तक मैंने चिकन को शैलो फ्राई कर लिया है। इसका चिकन को निकाल के बाउल में रख देते हैं और बाउल को आपने ना ऊपर से ढक देना है ताकि चिकन जो है वो सूखे ना। उसी ऑयल के अंदर मसाले डालने हैं। 1 चम्मच आप धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर डालना है और इसके साथ में आपने जो पेस्ट हमने प्याज का बना के तैयार किया था वो भी डाल देना है। जो पेस्ट थोड़ा सा चिपका और रह जाए ग्राइंडर जार के साथ में थोड़ा सा पानी मिक्स करके वो भी डाल दीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू हाई रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में इस पेस्ट को आपने अच्छी तरह से पका लेना है क्योंकि इस पेस्ट को बनाने के लिए हमने दही का यूज़ किया है। बाकी प्याज और काजू तो हमारे ऑलरेडी पहले ही पके हुए हैं यहाँ पे, तो दही का पकना भी जरूरी होता है। देखिए पेस्ट हमारा अच्छे से उबलना शुरू हो चुका है।
इसके बाद आपने इसमें आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर देना है। अच्छी तरह से नमक को भी मिक्स कर लेते हैं और साथ में ये आपने इसमें शैलो फ्राई किया हुआ चिकन भी डाल देना है। अब चिकन को साथ में पकाएंगे ना तो आपको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लेते हैं। पानी भी ऐड करेंगे हम इसमें चिकन को पकने के लिए, पानी की जरूरत पड़ेगी। बट पहले आपने चिकन को भी इस पेस्ट के साथ पकाना है। पेस्ट को आपने तब तक पकाना होता है जब तक अच्छी तरह से ऑयल ना छोड़ते, तभी दही का अपना जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो पाता है। तो ये देखिए अच्छे से चिकन को मिक्स कर लीजिए, ऊपर से कवर करना है। 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में आपने चिकन को पकने देना है। फिर हम इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था मुगलई डिशेज में घी का टेस्ट आना चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा घी भी डाल के टेस्ट ला सकते हैं। अच्छी तरह से घी को भी मिक्स कर लेते हैं ये देखिए इस तरह से। फिर आपने कोरमा में अच्छा कलर लाने के लिए आधा छोटा चम्मच देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है और इसको भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो ज़्यादा स्पाइसिस का यूज़ नहीं किया जाता है कोरमा में, सिर्फ खड़े मसालों का ही अच्छा फ्लेवर लाया जाता है इसमें। तो देगी मिर्च को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अच्छे से पका लिया है। देखिए चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है यहाँ पे। फिर आपने इसमें थोड़ा सा केसर ऐड करना है। केसर को मैंने यहाँ पे गर्म पानी में भिगो के रख दिया था ताकि अपना कलर छोड़ते। फिर आपने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर देना है, ज़्यादा पानी की यूज़ नहीं करना है। कोरमा की जो ग्रेवी है बहुत ही ज़्यादा थिक होती है और एक बार गर्म पानी का यूज़ करना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। ठंडा पानी डालेंगे टेस्ट को ख़राब करेगा। अच्छे से मिक्स कर लिया, ऊपर से कवर कर दीजिए। कम से कम 15 मिनट तक आपने चिकन को मीडियम फ्लेम में यहाँ पे पकने देना है। तो यहाँ पे मुझे चिकन को पकाते हुए टोटली 30 मिनट हो चुके हैं और छोटे चिकन का मैंने यूज़ किया है। छोटा चिकन बहुत ही जल्दी पक जाता है और ग्रेवी ने देखिए अच्छी तरह से ऑयल भी छोड़ दिया है। तो आपने भी इतनी देर तक चिकन की ग्रेवी को और चिकन को अच्छी तरह से पका लेना है। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है, थोड़ा सा आपने इसमें केवड़ा पाउडर डालना है और इसके साथ में आपने 1 बड़ा चम्मच इसमें क्रीम ऐड करनी है। काफ़ी रिच ग्रेवी रहती है जो मुगलई डिशेज होती है। क्रीम को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप ग्रेवी के ऊपर घी लाना चाहते हैं क्रीम डालने के बाद, तो आपने ऊपर से कवर करना है। 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकाना है ग्रेवी को। कोरमा की ग्रेवी अपने आप ही घी छोड़ देगी देखिए इस तरह से।